आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त जो है वो स्विट्जरलैंड की बर्थडे का दिन होता है। तो यहाँ पे फायरवर्क्स होगा रात को 9 बज रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है 10 बजे तक होगा। अभी भी कहीं कहीं पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, तो जब होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले साल भी हुआ था, मैंने थोड़ी सी वीडियोस की बना के डाली थी, अगर कोई देखना चाहता है तो मैं पिछले साल की वीडियो भी देख सकता है। आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इधर आज मैं बना रही हूँ भुने हुए टिंडे, और बच्चों ने टिंडे खाने नहीं, खा लेते हैं लेकिन इतने शौक से नहीं, उनके लिए बना रही हूँ चिकन। 2 अंडियाँ बना रही हूँ, ये तो मैंने दम पे रख दी है, और इसको बस अपने गोश्त डाल के चिकन डाल के रखूँगी लगी हूँ। बिस्किट मैं खा रही हूँ और चाय मैं पी रही छोटा मैं हूँ आज मामा का, लेकिन सब काम मैं कर रही हूँ। ये लाइट मैंने ऊपर ली जलाई, ये मैंने सॉस पैन फ्राई पैन तवे फ्राई पैन रखा, और आंच मैंने चलाई, ऑयल मैंने डाला, और ये आइडिया भी मेरा ही था उसे देखा जाए। हाँ, ये मेरी बेटी की रेसिपी है, मैं इनको थोड़े और तरीके से बनाना चाह रही थी आलूओं को, तो इसने मुझे ये आइडिया दिया, तो अब मैं इसके तरीके से बना रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इसने मुझे कैसे बताया है और मैं कैसे बनाने लगी हूँ इनको। लेकिन मेरी बेटी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, ये मैंने ले लिए हैं, मेरा ख्याल है 8-10 आलू हैं छोटे छोटे, जो थोड़े से बड़े थे उनको 2 पीस कर दिए हैं, और 2 प्याज ले लिए हैं, उनको 4-4 हिस्सों में काट लिया मैंने, और लहसुन के जवे ले लिए मैंने 6-7 जो बड़े थे उनको बीच में से हाफ ऑफ कर दिया, और इसमें मैं डालने लगी हूँ हल्की सी मिर्चें। देखिए मेरी बेटी मुझे आंखें निकाल रही है कि नहीं डालनी, लेकिन मैंने डाल दी है। थोड़ा सा ज़ीरा, और ये डालूँगी काली मिर्चें, और ये डालूंगी नमक, और ये मैंने बनाई हुई है अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये मैं बस काफी है ना, ठीक है हाँ बस। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल डाल दें या कोई भी ऑयल आप जो डाल सकते हैं डाल दें, इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके। और उधर हमने फ्राइंग पैन रख दिया है चूल्हे पे, थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल डाल के हल्का सा, और काफ़ी गर्म हो गया वो, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। वाइसल काफ़ी फ्राई होते जा रहे हैं, इसमें मैं थोड़ी सी सोया सॉस डालने लगी, ये जो
जी मैंने 10 मिनट के बाद इनको हल्की आग पे दम पे रख दिया था और ये बड़े मज़े के बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये सही ग्रिल हो गए हैं बिल्कुल। बहुत सही खुशबू आ रही है। अब इसको जिसके साथ मर्जी खाएं, केचप के साथ खाएं, मेरे पास इमली की चटनी है उसके साथ भी खा सकते हैं या स्वीट एंड जो चिली सॉस होती है उसके साथ भी ले सकते हैं, जिसके साथ मर्जी खाएं। बहुत मज़े के बने हैं।